अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला। इसे बनाने के लिए हमने मूंग दाल को रात में भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो इसे 4-5 घंटे के लिए ही भिगो सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। दाल को हमने ग्राइंडर में ट्रांसफ़र किया, उसमें 4-5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 लहसुन की कली, थोड़ा पानी डालकर दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। दाल हमारी जब ग्राइंड हो जाएगी तब उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 3 चम्मच चावल का आटा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर 5 मिनट इसे ढक कर रख देंगे। दूसरी तरफ पैन में ऑयल डालेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इस बैटर को हम उस पर स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से मस्टर्ड सीड्स, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और उसकी नीचे की साइड को पकने का वेट करेंगे। जब हमारा एक साइड अच्छे से पक जाएगा, अब हम ये जानेंगे कैसे कि हमारा एक साइड पक चुका है, उसके किनारों पर गोल्डन ब्राउन सा होने लगेगा, तब इसकी साइड को हम पलट देंगे। दोनों साइड हम अच्छे से इसको पका लेंगे और हमारा चिल्ला रेडी है। इसे आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा एक प्लेट में। इसी तरह हम अपने बाकी सभी चिल्लों को बना लेंगे। ये देखिए, हम दूसरा चिल्ला बनाने जा रहे हैं। पैन तो हमारा गरम था ही, इसमें ऑयल डाला। ऑयल जब गरम हो गया तब हमने इसमें अपनी दाल स्प्रेड कर दी और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लिया। इसे आप गोल शेप में रख सकते हैं। ऊपर से मस्टर्ड सीड्स, कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। जब तक ये नीचे की साइड पकेगी और फ्लेम इस टाइम पर मीडियम रहेगी। एक साइड जब पक जाएगा, किनारे पर ब्राउन हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे वो साइड पक चुकी है। इसे इसकी साइड को पलट देंगे। दोनों साइड अच्छे से इसको हम पका लेंगे और हमारा चीला रेडी हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से इसकी एक साइड पकी हुई है। इसी तरह हम दोनों साइड पका लेंगे। इसे आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, और इसके साथ चाय हो तो क्या बात है। लेकिन आप इसे टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी, पास्ता सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी चिल्ला बनता है। देखिए दोनों साइड पक चुका है। आप इसे सर्व कर लीजिए और इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है और ये बहुत टेस्टी चिल्ला बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।